आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, टू क्लास, हाउ आर यू? नाउ इट्स टाइम फॉर द पीरियड ऑफ अमेजिंग साइंस। टू क्लास हमने यूनिट नंबर 8 की रीडिंग लेक्चर नंबर 5 और 6 में कंप्लीट कर ली थी। आज हमने यूनिट नंबर 8 की बुक एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करनी है। सो टू क्लास नाउ ओपन बुक पेज नंबर 50, राइट डेट एंड डे एट टॉप ऑफ पेज, एंड द एक्टिविटी नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आपको बुक पे क्वेश्चंस लिख के दिए गए हैं, आपने उनके आंसर्स राइट करने हैं। वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? ठीक है, ज़मीन पर लाइट जो है, रोशनी जो है, वो कहाँ से आती है? ठीक है, देखिए आपका लिखा हुआ होगा लाइट ऑन द अर्थ कम्स। ठीक है, लाइट ऑन द अर्थ कम्स जो है, यहाँ तक आपका आंसर लिखा हुआ है और आपने लिखना क्या है, फ्रॉम द सन। कहाँ से हमें लाइट आती है? सन से आती है। लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, ज़मीन पर जो भी लाइट है वो सन से यहाँ पर आती है। व्हाट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका राइट हुआ हुआ है और आपने राइट करना है गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रोशनी जो है वो हमें देते हैं या फिर रोशनी खारिज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं? अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हैं वो रोशनी नहीं देते, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें रोशनी नहीं देते। क्वेश्चन डी है, कैन वी सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क? क्या हम चीज़ों को अंधेरे में देख सकते हैं? वी कैन सी ओनली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द डार्क। हम सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि रोशन चीज़ों को अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से एक रूम में अंधेरा हो और उसमें हम कैंडल जलाएं तो हमें सिर्फ वो कैंडल नज़र आएगी और उसके इर्द गिर्द जो रोशनी जहाँ तक जा रही है वो चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, इज़ द मून अ ल्यूमिनस बॉडी? क्या चाँद जो है वो ल्यूमिनस बॉडी है यानी कि उसकी अपनी रोशनी है? द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड? हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड, ये शेडो है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है शेडो। हाउ इज़ शेडो फॉर्म्ड? शेडो यानी कि साए कैसे बनते हैं? यहाँ पे आपका पहले से लिखा हुआ होगा आ शेडो, आपने उसको कट कर देना है। ठीक है, और आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें जो आंसर लिख के दिया गया था वो उसके जो नेक्स्ट लाइन पे जो नेक्स्ट आंसर आता था हमने वो राइट किया है, लेकिन आई शैडो को आपने कट कर देना है और उसका फुल आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है। एंड द आंसर इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट देन शैडो फॉर्म्ड। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो है वो लाइट के रास्ते में रख दी जाती है तब साए बनते हैं। ठीक है, तब शैडो बनते हैं। दोबारा रीडिंग करेंगे, वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम? द लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। व्हाट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। व्हाट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। क्वेश्चन डी, कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क? वी कैन सी ओनली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन द डार्क। ई पे क्वेश्चन है, इज़ द मून अ ल्यूमिनस बॉडी? द मून इज़ नॉन ल्यूमिनस बॉडी। आगे क्वेश्चन है, हाउ इज़ शैडो फॉर्म्ड? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट देन शैडो फॉर्म्ड। नाउ टू क्लास यू हैव टू राइट इट ऑन योर बुक। ठीक है, अगर आपकी ये जो एफ क्वेश्चन का आंसर है उसका आंसर एक लाइन पे नहीं आता तो आपने नीचे लाइन सेकंड लाइन ड्रॉ करके तो उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।